गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम से सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? आज मैं बहुत जल्दी खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज दिल्ली कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। आपको दिखाएंगे वो क्या काम है। तो अभी 6:15 बजे चाय बनाइए अभी बस जस्ट अपने लिए, ठीक है। और आज मैं पहली बार जिंदगी में पहली बार डबल डेकर ट्रेन में बैठूंगा, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ बैठने के लिए क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेन बताते हैं लोग। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ज्योति सुबह सुबह मेरे लिए खाना तैयार कर रही है, थैंक यू ज्योति। गाइस मैं तो तैयार हो चुका हूँ और मैंने क्या मिला मुझे, 3 मेट्रो कार्ड। ये 3 मेट्रो कार्ड है, बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने, आई थिंक 4-5 साल पुराने कार्ड है। पता नहीं काम करेंगे कि नहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए साथ रख ले चलता हूँ। ला थैंक यू। तो गाइज गाड़ी पार्क कर दी है, 7:31 पे एग्जैक्टली मैं पहुंच चुका हूं और 7:45 का टाइम डबल डेकर का है, तो अभी अपने पास 15 मिनट है। इस हमारा अलवर रेलवे जंक्शन, तो चलते हैं अंदर। मेरा कोच है C2U, माने अपर। C2 डब्बे में जाना है, अपर कोच में बैठना है, 100 नंबर की सीट है। तो अभी तो मज़ा आएगा ट्रेन का इंतज़ार करने में। गाइज बता दूँ C2 ये कोच है और यहाँ से स्टार्टिंग होती है ना। पहला कोच मिला है मुझे ट्रेन का, फर्स्ट कोच ऑफ डबल डेकर ट्रेन का मिला है मुझे, और वहाँ से उतर के भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप वेट कर, ये है अपना डब्बा C2। हाँ थोड़ा सा और आगे, ठीक है गाइज नीचे जा सकते हो, ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, अभी तो 100 नंबर है। बैठ चुके हैं अपन डबल डेकर ट्रेन में, ये देखो किस तरीके से दिखाई देती है। चल रही है 9:53 पे दिल्ली कैंट पहुंचना था और अभी 10 बज चुके हैं। मैं दिल्ली कैंट अभी गुड़गांव से निकले ही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, रुक रुक के चल रही है पैसेंजर की तरह। इसमें आ गया हूँ दिल्ली कैंट यानी दिल्ली छावनी पर, और यहाँ से मुझे पकड़नी है बस तिलक नगर के लिए, वहाँ से हम बताएंगे कि आगे कहाँ जाना है। और बारिश हुई हुई लगती है अभी अभी, वो जो ओवरब्रिज दिख रहा है वहाँ से जाना है अपन को, तो इधर से ऐसे करके इधर चलेंगे अपन क्रॉस करके। यहाँ से लिया ई रिक्शा और हम जा रहे हैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, 20 रुपीस में। तो गाइस मैं आ गया हूँ तिलक नगर, यहाँ से अशोक नगर वॉकिंग का रास्ता है, अपन को जाना है मेट्रो पिलर नंबर 504 के पास है, तो मैं इधर जा रहा हूँ पिलर नंबर 504, और अपन को यहीं जाना था अपोजिट न्यूरोथेरेपी, चलते हैं इसमें। ये है सिटिंग एरिया जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। मेरी यहाँ पे थेरेपी हुई थी, डॉक्टर राम अवतार से भी मैं मिला और कंटिन्यू बोला है कि 30 मंथ्स तक मुझे आना है ऐसे ही, और डेली का चार्ज है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि इनकी थेरेपी से मुझे बहुत बहुत मतलब आराम है, पर नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं दिल्ली में रहता तो शायद आ जाता, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी मैं घर जा रहा हूँ। तिलकनगर मेट्रो स्टेशन के साइड में एक जगह है जहाँ पर छोले भटूरे बहुत फेमस है, नाम सुना रखा है रामा छोले भटूरे। पहुंच गया हूँ 3:50 पे अलवर, और आपसे बात करूँगा अभी मैं घर चल के, बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ दिल्ली में, डिटेल से बताता हूँ। जिद कर रहे थे कि पापा पॉपकॉर्न ले आना, वहीं से फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, तो उनके लिए पॉपकॉर्न ले लेता हूँ। चार देने भाई, मैं धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, पता नहीं है उसको कि मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं रिएक्शन क्या रहता है बच्चों का। इसको पीछे धक्का लेता हूँ पॉपकॉर्न का। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। चाल अच्छा, ओके अच्छा,
लाओ मेरा दो। शाबाश गाइस, मैं घर आ गया हूँ। अब आपको बताता हूँ थोड़ी सी बातें जो आज मेरे साथ हुई। जब सच जानना भी जरूरी है, हमारा हक है पूरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी डॉक्टर रामावतार जी से कोई वो नहीं है, अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं न्यूरोथेरेपी में क्या होता है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से वो करते हैं। अब इसमें क्या होता, मेरी जो न्यूरोथेरेपी थी वो जो अभी देखा आपने अंगूठे जो दबा रहे थे दर्द हो रहा था, कुछ ऐसी न्यूरोथेरेपी हुई। तो सबसे पहले जो इनके नंबर थे व्हाट्सएप नंबर जो ये देते हैं और जिन पे आप कॉल कर सकते हो, उनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। आप कॉल करते हो या कॉल करते हो उठाते नहीं है या बिजी चला जाता है, क्योंकि और भी लोग कॉल कर रहे होते तो बिजी जाता है, रेस्पॉन्स नहीं आता। आज के बाद आने लग जाए तो मैं कह नहीं सकता। तो फिर गाइज क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि फीस कितनी है। अब ये पता नहीं था तो मैं अज्यूम करके चल के गया था कि 200 300 या मैक्सिमम 500 होगी। वहाँ जाके पता चला 2000। अब आप बंदा बहुत दूर से आ रहा है उम्मीद लेके कि वो ठीक हो जाएगा, और उसको जब फीस पता चलती तो पहले हिल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी इतनी दूर आए हैं तो एक बार अंकित करके देख ले, शायद ठीक हो जाए। तो 2000 रुपये दिए मेरे, थोड़ी देर में मेरा नंबर आ गया। देन उसके बाद वहाँ पे थेरेपी स्टार्ट होती है। अब थेरेपी सबसे पहली चीज़, ये जो डॉक्टर हैं ये खुद नहीं देते हैं, ये सिर्फ वीडियो में दिखाते हैं कि एक दो वीडियो के लिए शायद दे देते होंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे चेले हैं या फिर बोलें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इनके नीचे काम करते हैं, वो देते हैं। नॉर्मली कोई ऐसी डॉक्टर वेशभूषा लगती नहीं है उनकी, नॉर्मली ड्रेसअप होते हैं तो वो देते हैं। तो उस थेरेपी से मुझे रिलैक्स मिला, नो डाउट, बहुत अच्छा रिलैक्स मिला। फिर अब उन्होंने कुछ लिख के पर्ची में और बोला कि मैडम के पास चले जाओ, जो भी मेरा कर रहे थे थेरेपी। मैं चला गया, जब थेरेपी ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला कि सर आपको 1 महीने तक रेगुलर आना पड़ेगा। अब वीडियो में किसी में इन्होंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं या तो जितने भी लोगों को दिखाते हैं, कहीं भी ऐसी नहीं बताया कि थेरेपी लंबी चलती है। और फिर मैंने पूछा चार्ज, बोला कि 30 दिन के 30,000 रुपये लगेंगे। तो मैं हिल गया, मैंने कहा 30,000, मेरी तो सैलरी भी नहीं है इतनी, ठीक है। तो और घर खर्च अलग से होता है, मैंने कहा पॉसिबल तो नहीं है। दूसरी चीज़ इनके वहाँ स्टे का भी उसमें नहीं है, स्टे भी आपका अलग होता है। तो अब आप स्टे कहाँ करोगे दिल्ली से जैसे शहर में, तो मतलब आपके पास आप बहुत अमीर होने चाहिए तब जाके आप ये खर्चा उठा पाएंगे। और उसके बाद भी थेरेपी से अगर रेगुलर होती है तो पता नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पर वो ऐसा भरोसा दिला रहे थे कि फ़ायदा हो, क्योंकि इंस्टेंटली जब उन्होंने की तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। पर अब वो चीज़ गई नहीं है। मेरे क्या पेट में प्रॉब्लम थी तो कब्ज रहती है बहुत रेगुलर, तो उन्होंने बताया कि आपके जो इंस्टेटाइन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इतनी चीज़ें अगर ये पहले ही फ़ोन पे पता चल जाती तो ना तो मैं क्यों दिल्ली जाता और क्यों इतने पैसे देता। और अगर वैसे मैं 2000 रुपये दे के मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अभी तुरंत ठीक हो जाऊँगा जैसे वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको आगे की थ्योरी में ये है कि आपको वहाँ रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और सबसे बड़ा ये इतना चाहिए होता आपकी हैसियत से ज़्यादा। तो गाइज़ सीरियसली न्यूरोथेरेपी में मतलब मेरी डॉक्टर से बस इतनी सी अनुमति है कि आपका चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगा कि शायद आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आपके चार्जेस बहुत कम होंगे, बहुत से लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं हम आपकी तो, पर बिल्कुल सब अपोजिट निकला। तो मेरी कैसी कोई उनसे वो नहीं है, पर शायद कुछ लोग होंगे जो ऐसा काम कम पैसों में भी कर दें, जो मतलब एक मिडिल फैमिली से भी, जो बिल्कुल मिडिल फैमिली भी खर्चा नहीं उठा सकती। आपको बता रहा हूँ ये जो है ना, ये जो इन्होंने स्पेंड बताया 30,000 का और 2000 फीस का, ये तो कोई अच्छा उठा सकता है। तो बस ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और अब मैं फिर मैं ना चाहते हुए भी मैं कहानी और मैं घर आ गया, अब क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट ले पाना। तो अब तो ठीक है, अब दिखाएंगे कहीं और, देखते हैं कहीं कुछ हो जाए तो, क्योंकि मैंने बहुत से डॉक्टर को पहले भी दिखा चुका हूँ पर थोड़ा आराम नहीं मिला था इसलिए मैं वहाँ गया था। तो कैसा लगा लोग, मज़ा आया आज का? तो ये दो डॉक्टर ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे भाई जो वीडियो देखते होंगे वहाँ जाएंगे कि इस उम्मीद में कि हम ठीक हो जाएंगे और कम पैसे लेके जाएंगे, तो उनको बता दूँ प्लीज़। क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था कि कुछ बंदे आ रहे थे और जा भी रहे थे जब उनको पता चला कि फीस इतनी है।
फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो शेयर कर देना ताकि लोगों तक पहुंच जाए, उनको पता चले कि हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ असल में आपके पास मनी होनी चाहिए। ठीक है, टिल देन सी यू लेटर गाइस, राम राम सा सभी को।